अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कढ़ी पकोड़े। उसके लिए आपको चाहिए ये तमाम अज्जा, जिसके अंदर शामिल है दही, बेसन, चार हरी मिर्च कटी हुई और दो प्याज। इसके अलावा ज़ीरा, धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, कलौंजी, राई दाना और साबुत ज़ीरा और हल्दी। सबसे पहले आपने दही के अंदर बेसन को डालना है और इसे अच्छी तरीके से फेंटना है, यहाँ तक कि इसके अंदर कोई गुठली या कोई भी इस तरीके की चीज़ जो कढ़ी में बदमज़ा लगे ना बने, बिल्कुल स्मूथ बैटर बन जाए। तो आप इसे अच्छी तरीके से पहले करेंगे, फिर इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद आपने कढ़ाई के अंदर तेल डालना है, उसके अंदर आपने राई दाना, कलौंजी, प्याज और हरी मिर्च डालनी है और आपने इसे फिर अच्छी तरीके से गोल्डन करना। जब ये गोल्डन हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने शामिल करनी है हल्दी, ज़ीरा, धनिया। अच्छा, यहाँ पर एक पार्ट स्किप हो गया, अदरक लहसुन का, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये मसाला भुन रहा है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि, क्योंकि जो हल्दी और दूसरी चीज़ें वो जल्दी जलने लग जाती हैं, तो इसके अंदर पानी शामिल करके फिर हम आएंगे बेसन और दही की तरफ। आपने इसे अच्छी तरीके से घोल लेना है। उसके बाद आपने, जब आपका मसाला भुन जाए, तो उसके अंदर आपने इस बेसन को छान कर ही डालना है, क्योंकि जो चक्की का बेसन होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ चंक्स हो ही जाते हैं। तो आपने इसे अच्छी तरीके से छान कर डालना है और अपने हिसाब से पानी करना है कि जब आप इसे पकाएंगे, गाढ़ा करेंगे, तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या हो जानी चाहिए। उसके बाद आपने इसके अंदर हरा मसाला शामिल करना है और आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, जो कि आधा आधा चम्मच हमने निकाली थी, वो शामिल करनी है। अब हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और इसमें नमक भी शामिल कर दिया है। उसके बाद मैं पकौड़े का बैटर भी बना कर रख रही हूँ, वो तो आप सबको ही पता है कैसे बनता है। तो इसके अंदर कुछ ख़ास ऐसा नहीं होता, बस ये है कि मसाले थोड़े कम रखे जाते हैं, क्योंकि दही के साथ, कढ़ी के साथ जो पकोड़े हैं वो थोड़े लाइट मसाले के होते। उसके बाद मैं इसके अंदर एक चुटकी टाटरी डालूंगी, क्योंकि घर का बना हुआ दही है इसलिए ज़्यादा खट्टा नहीं है। उसके बाद आप देखें इसके अंदर दो उबाल आ चुके हैं और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है और इसके अंदर कोई बूंदी, कोई चंक कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ कढ़ी है जैसी होनी चाहिए और इसका कलर भी अच्छा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पकोड़े तल के डालूंगी और पकोड़ों को उबाल दूंगी ताकि पकोड़े जो है वो नमक हो जाए। उसके बाद आपने इसे तकरीबन 5 मिनट तक उबालना है, यहाँ तक के पकोड़े जो है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से नरम हो जाए। उसके बाद आपने भगार तैयार करना है। भगार के अंदर भी वही सारी चीज़ें होती हैं जो आमतौर पर हम दाल और दूसरी चीज़ों में लगाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने भगार डाल देना और ये है मेरी कढ़ी की शक्ल। और मैं आपको बता दूँ, मेरी कढ़ी की तारीफ़ होती है, अच्छी बनती है, मुझे ख़ुद भी पसंद है। तो ये मैंने बिल्कुल जो है वो अपनी अम्मी के स्टाइल से बनाई है। आई होप कि आपको ये पसंद है। और फिर इस तरीके से कढ़ी और खिचड़ी के साथ लाल मिर्चों का गाजर का अचार सर्व करें और मज़े से खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।